वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 4 जुलाई 2021 और 4 जुलाई 2021 मतलब आज संडे है। तो आज हम पिछले 7 दिनों के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम उस डिस्कस करेंगे, तथा एग्जाम व्यू से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन इन 7 दिनों में बने हैं केवल हम उन्हीं को आज पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह में करेंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है, जो कि पूर्व से एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर, तथा संडे को उन सभी 6 दिन में हुए क्वेश्चंस का एक क्यूज के रूप में 25 क्वेश्चन लाया जाता है, तथा यहाँ पर 25 क्वेश्चन को आंसर के रूप में आपको पूछा भी जाता है। 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में इंटरवल होता है, उसमें आपको जवाब अपने आप में कंक्लूजन कर लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के लिस्ट में सबसे शीर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर COVID-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? तो गोवा स्टेट हाल ही में रेबीज फ्री स्टेट बना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स जीतने वाला प्रथम भारतीय तैराक कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साजन प्रकाश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीबीसी के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 21-22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 9.6% अनुमान लगाया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मेन जस्टिस के रूप में रवि विजय कुमार मलिमठ को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, IHSL के अनुसार किस होटल को दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में IHCL के अनुसार दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है ताज होटल को।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण सिन्हा को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट ने साल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बेसिक एजुकेशन ही गवर्नमेंट स्कूल को रिप्लेस किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर आप अपने आप में कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है, आप उसमें अपने आप में आंसर को कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका कुमारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है। तो हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ने सी ब्रिज ड्रिल्स नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 13वां क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी सबसे पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट इन स्पेस लॉन्च करने जा रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो हाल ही में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फिलीपींस को शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जल विद्युत बांध बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना ने दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30 जून को। 30 जून को मतलब हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने के मुख्य सचिव ने 24x7 यानी 2400 घंटा 7 दिन मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सुकून का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन होंगे। तो जल्दी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर रहा है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 194 देश में 10वें स्थान पर रहा है, जहां की फर्स्ट स्थान पर यूएसए यानी अमेरिका टॉप पर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी ने अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा, जो कि हाल ही में भारतीय मूल के हैं, उन्होंने जो कि अमेरिका में रहने वाले हैं, जो सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने 12 वर्ष कुछ महीने इनका अभी आयु है, उन्होंने अभी तक में शतरंज का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक डे यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाई गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। SBI बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, उसी वजह से इस वर्ष 66वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में HDFC बैंक ने सलाम दिल से डॉक्टर्स के लिए यह पहल शुरू की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो हाल ही में नागालैंड सरकार द्वारा नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। चलते हैं आज के क्यूज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का क्यूज का अंतिम क्वेश्चन है, हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है, या हाल ही में 2 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में किसे UAE का गोल्डन वीजा मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोना विश्वरूपा मोहंती को हाल ही में UAE का गोल्डन वीजा मिला है। तो एक और बात इस पर जान लेते हैं, UAE का गोल्डन वीजा प्रथम भारतीयों को संजय दत्त को मिला है, जो कि हाल ही में शायद पिछले महीने में मिला है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले डेज का एक सीरियल वाइज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको उस महीने का डेज आपको एक ध्यान में रहे, आप भूल ना पाए कभी। चलिए दोस्तों, यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन का बटन भी दिया होगा, आप उसे जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का सुबह का अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए। सुबह में हमारे यहाँ 15 क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाता है, जो कि एकदम करेंट होता है। मतलब आज सुबह में अपडेट किया जाता है, तो शाम तक जो भी क्वेश्चन बन जाता है, रात 12 बजे तक उसका करेंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक 7वें दिन यानी संडे को पिछले 6 दिन के बने भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 7वें दिन क्यूज के रूप में एनालिसिस किया जाता है। तो आप सभी वीडियो को देखना ना भूले तथा हमारे पास सभी GK GS करेंट स्टैटिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पर जाए तथा सभी वीडियो को ध्यान से देखें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले तथा वहां पर सारे के सारे PDF मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।
मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।